नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस जो होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल होता है, ठीक है। इसमें ये जो होता है हमारे पास अबव और साइड्स पे, ठीक है, ये हमारे पास कन्वेक्स होता है और नीचे आके हमारे पास फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें बोन्स कौन कौन सी टेक पार्ट करती हैं? सुपीरियरली हमारे पास टू पैराइटल बोन्स होती हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास जो होती है स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन होती है, और साइड पर हमारे पास ये मैस्टॉइड प्रोसेसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सुचर्स इसमें कौन कौन से आते हैं? बिटवीन द पैराइटल बोन हमारे पास ना इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेजिटल सुचर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड द टू पैराइटल बोन देयर लाइज द लैम्बडॉइड सुचर, ठीक है। और इस लैम्बडॉइड सुचर के अलोंग हमारे पास सुचरल बोन्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जिनको हम बर्मियन बोन्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट दो और सुचर्स होते हैं बिटवीन द पैराइटल एंड द मैस्टॉइड बोन, बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड द मैस्टॉइड बोन देर इज ऑक्सीपिटो मैस्टॉइड सुचर, एंड बिटवीन द मैस्टॉइड प्रोसेस एंड द पैराइटल बोन देर इज द पैराइटो ऑक्सीपिटल पैराइटो मैस्टॉइड सुचर, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है ना ऑक्सीपिटो मैस्टॉइड सुचर, उसके अलोंग हमारे पास फोरामेन होता है जिसको हम मैस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। इस मैस्टॉइड फोरामेन से हमारे पास पास करती है एमिशरी वेन एंड द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ऑक्सीपिटल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हम इस पर आते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये जो नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस होता है, ठीक है, इसका जो लोअर पार्ट होता है ना उसकी मीडियन प्रोमिनेंस को हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट हमारे पास इनियन होता है, ठीक है। अब इनियन से लेटरली अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास टू लाइन्स आते हैं जिनको हम सुपीरियर नकल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर नकल लाइन्स जो होती हैं ये हमारे पास डिस्टिंग्विश करती हैं बिटवीन द नॉर्मा बेसालिस एंड द नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, ठीक है। और ये हमारे पास जंक्शनल पॉइंट होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और नकल लाइन बिटवीन द हेड एंड द नेक, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों पॉइंट से ऊपर दो और चीज़ें होती हैं। सुपीरियर नकल लाइन से 1 सेंटीमीटर अब हमारे पास हाइएस्ट नकल लाइन्स होती हैं, दे आर मोर कर्व देन द सुपीरियर नकल लाइन्स, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के इनियन से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास ऑक्सीपिटल पॉइंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास फार्थेस्ट फ्रॉम द ग्लैबेला होता है, मतलब मींस एट द सेम लेवल फ्रॉम द ग्लैबेला देयर लाइज ऑक्सीपिटल पॉइंट एट द पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और बात आती है कि हमारे पास इनका क्या होता है, ठीक है। इनका जो होती है वो हमारे पास ट्राइंगुलर बोन होती है, ये सुचरल बोन भी नहीं होती, ठीक है, और ये हमारे पास एसेसरी बोन भी नहीं होती। एक्चुअली ये हमारे पास जो ऑक्सीपिटल बोन का स्क्वैमस पार्ट होता है, ठीक है, उसकी एपेक्स पे एक ट्राइंगुलर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ठीक है। वो समटाइम ऑसिफाई नहीं करता और सेपरेट हो जाता है एज एन ट्राइंगुलर बोन नोन एज इनका,